देशवासियों, आज यहां होंगे इंडियन क्रिकेट के वो सारे महारथी जिन्होंने 1983 में हमारे देश के लिए पहला वर्ल्ड कप जीत के इतिहास लिखा। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा कैप्टन ऑफ द शिप, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, वन एंड ओनली पद्म भूषण, श्री कपिल देव जी। ओ जोरदार तालियां होनी चाहिए। पाजी देखो मैं हेलो 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 थैंक यू शुक्रिया हेलो क्लैरिटी चाहिए किसके लिए पाजी नहीं और जब भी आपके लिए करते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ यहाँ टीवी पे बैठे हुए देखते हुए भी मेरा चल रहा है कपिल कपिल तो मेरे को लगता है कि ठीक है काम अच्छा है नाम अच्छा चल रहा है। पाजी थैंक यू सो मच वर्ल्ड कप जीतने के लिए और आप जितने पॉपुलर हुए नहीं तो मेरा नाम ही नहीं रखा जाता आपको पता है। तो जब कपिल पाजी 1983 में वर्ल्ड कप जीत के लाए तो उस समय पाजी मैं 2-3 साल के थे तो मेरा नाम ही रखा था ओए छोटू ओए निक्के इधर आ तो आपकी वजह से मेरे पापा ने मेरा नाम कपिल रखा। पाजी लव यू पाजी। पर पाजी देखो आपने ऑडियंस का रिस्पांस देखा लोग आज 35 सालों बाद भी उसी वर्ल्ड कप जश्न मना रहे हैं। पाजी जोरदार तालियां। आप ऐसा बोलते 37 साल पता नहीं बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हो अभी यार हाल ही में जीते थे ऐसा क्यों कह रहे हो। हाँ फिर ये याद मत दिलाओ 37 साल पहले 37 साल पहले थोड़ा तकलीफ होती है। अभी जस्ट चंद महीने पहले जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कपिल। पाजी जी पाजी इससे पहले मैं जरा पाजी के पैरों छू लूं एक बार आके मैं तू तेरे नाल जफी है पाजी ठीक ठाक लग रहे हैं तू ठीक लग रहे हैं पाजी। हाँ मैं भी पाजी आपकी तरह बनना चाहता था और मेरा एक सपना था कि जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए हैं मैं भी कभी 400 विकेट हिंदुस्तान के लिए लूँगा और भगवान ने 400 विकेटें भी दे दी बट कपिल देव जैसा सिर्फ कोई नहीं बन सकता कपिल देव एक ही है बट थैंक यू पाजी हमें इंस्पायर करने के लिए और अगर आपने कप नहीं जीता होता ना वो जो तस्वीर लॉर्ड्स वाली हम नहीं देख के बड़े हुए होते तो शायद हमारे सपने छोटे रह जाते और वही एक सपना था हमारा सबका भी कि मैं भी पाजी की तरह वो कप को उठा सकूं और वो फील ले सकूं कि कप उठाने की फीलिंग क्या होती है भारत के लिए। तो थैंक यू पाजी फॉर इंस्पायरिंग अस एंड आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। लव यू पाजी पाजी एंड आई लव यू आई लव यू टू पाजी पाजी थैंक यू पाजी। यू नो बहुत अच्छा लगता है जब इनको बॉल करते देखता था हरभजन को मैंने कहा इनका बॉल तो ठीक है इनका गुस्सा देख के ऐसा लगता था फास्ट बॉलर का एटीट्यूड है इनका एटीट्यूड फास्ट बॉलर था और थे स्पिनर और मेरा एटीट्यूड स्पिनर जैसा था मैं सीम बॉलर तो सिर्फ इतना फर्क था। पाजी जब 1975 में और 1979 में ये दोनों वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज ही जीती थी जी और जब आपकी टीम जो है 83 के लिए खेलने गई उस समय आपको आइडिया था कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे कॉन्फिडेंस क्या था सर टीम का? ऐश थी कॉन्फिडेंस नहीं था मजा था भाई मजा करेंगे बट कभी कभी होता है कि आप जाते किसी अलग थॉट प्रोसेस से हो क्योंकि इतने मैच कभी हम जीते ही नहीं थे लेकिन हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट ऐसे लगा कि हमारी टीम में वो दम है। कभी कभी आपको अपनी ताकत पता नहीं होती जैसे आपको भी शुरू में नहीं पता था आपका शो इतना बड़ा बनेगा जी जी फिर आस्ता आस्ता हुआ ना ऐसा हुआ हमारी टीम को भी नहीं पता था लेकिन 2-3 मैच जीतने के बाद ऐसा एहसास हुआ टीम को तो फिर आपका सोच बदल जाती है और शायद वो 2-3 मैचेस के बाद हमें लगा कि हमारी टीम में दम है हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल तक पर ये नहीं उस समय सोच रहे थे कि हम फाइनल भी जीत जाएंगे। क्या बात ये है? मेरी सोच थी एज ए कैप्टन बट तो दोस्तों 1983 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन तो यहां पर हैं ही अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं उन लेजेंड्स को जो इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे
So please welcome Vice Captain और गजब के ऑलराउंडर मिस्टर मोहिंदर जिमी अमरनाथ. हेलो. एक बार मोहिंदर अमरनाथ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सर वेलकम 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 सर. या ले जी. आइए. और जोरदार तालियां हो जाए सलामी बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत साहब के लिए. अरे सर वेलकम वेलकम वेलकम. हाउ आर कपिल? हाउ आर कपिल? गुड 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 सर. कैसे हैं आप? कैसे हैं? गुड टू सी यू सर. अरे इधर एक कपिल पागल कपिल है, एक दूसरा हमारा कैप्टन भी ऐसा है. दीसा देखो कौन है उधर. हमारा तो सरदार जी. ओ मिस्टर बाजी क्या क्या ले भाई, क्या ले? कैसे तू? प्रणाम सर. तुसी तुसी क्या ले? असी बढ़िया सर. मैं तो क्योंकि सब इधर सब सब तुसी किसी वाला है ना. ये पंजाबी है, पंजाबी है, पंजाबी है, पंजाबी है. हमारा ड्रेसिंग रूम में क्या हो सकता है ना. इन लोग की कर रहे पाजी, तू तुसी की कर रहे हो क्या पाजी? पाजी 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 ये क्या रे? अरे मैं मद्रास से आ रहा हूँ. मेरे कुछ नहीं हिंदी उस टाइम में, हिंदी बिंदी कुछ नहीं जानता. 83 में नो साला मद्रास है, हमें तेजी तमिल था. और दरव सुनना नूर दरव सुनना मारी. हमारा देश रजनीकांत का देश है ना. और दरव सुनना नूरु दरोसन हमारी. इफ आई से एक बार बोलेगा तो 100 बार बोलिया मैंने. रजनी सर का डायलॉग. हाँ ये ना बोल रहा सर. हाँ नीला है क्या? हाँ वेरी गुड. नल्ला है क्या सर? नल्ला है क्या? इडली सांभर नल्ला है क्या सर? तमिल कुंजम सर. कौन तमिल कुंजम? कुंजम 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 कुंजम. या क्योंकि आप इतना विकेट लिया ना मद्रास में इसीलिए. सर देखिए आपने थोड़ा सा पंजाबी सीख लिया, मैंने थोड़ा सा तमिल सीख लिया. बहुत अच्छा है ना, क्या करें. लेकिन सर ने पंजाबी सीख ली कोई बड़ी बात नहीं है. पंजाबी आदमी तमिल सीख गया, ओहो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. पर सर बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के. अभी मुझे डर लगने लगा आप मुझे बोलने देंगे भी कि नहीं. एक बार सर के लिए जोरदार ताकि हो जाए. तो अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं टीम के सबसे सशक्त बल्लेबाजों में से एक मिस्टर दिलीप वेंगसरकर साहब. और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिस्टर यशपाल शर्मा जी. जोरदार तालियां हो जाए हमारे धुआंधार और स्टाइलिश बल्लेबाज मिस्टर संदीप पाटिल साहब के लिए. और इन्हीं चलती हुई तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा ऑलराउंडर मिस्टर कीर्ति आजाद साहब. तो 1983 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लीज वेलकम मिस्टर रॉजर बिनी. कपिल पाजी के साथ बॉलिंग का मोर्चा संभालने वाले मिस्टर मदन लाल, मिस्टर बलविंदर संधू एंड मिस्टर सुनील वालसन. पाजी वेलकम 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 सर. वेलकम 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 पाजी. सत श्री अकाल. आओ जी वेलकम वेलकम सर. वो देखिए आपको देख के डांस करनी है लेडीज. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.